हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज की व्लॉग में मैं आपको ले जाने वाली हूँ थॉर निवाड़, और जो कि राजगढ़ से कुछ किलोमीटर दूर होगा। मैं भी फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। हम क्यों जा रहे हैं, एक्चुअली पंकज जीजू ने कहा कि हमको वहाँ जाना है, और जितने दो तीन बार ये आ गए थे तो दो तीन बार से ही ये कह रहे थे कि हमको वहाँ जाना है, हमको वहाँ जाना है, बट हम जा नहीं पाए। तो आज फाइनली हम वहाँ पर जा रहे हैं और आपको मैं थॉर निवाड़ ले जाने वाली हूँ। मैं पहली बार जा रही हूँ, तो अभी हम चल रहे हैं और आज की जर्नी जो है, आज का व्लॉग जो है, यहीं से स्टार्ट करते हैं। चलो दोस्तों, आज हम हैं राजगढ़ की गलियों में, खूबसूरत सी, प्यारी सी, और ये हमारी बहुत सारी स्कूल टाइम की यादें ताज़ा कर रही है आज। और अभी हम पहुंचने वाले हैं, चलन जा रहा। हाँ, मैं इसको सीढ़ियों से लाई क्योंकि परे वाला रास्ता दूर था थोड़ा। और ये हम पहुंचने वाले हैं अपने बस स्टॉप पे, जहाँ से हम बस लिया करते थे और जहाँ पे हम बस से उतरा करते थे स्कूल टाइम में। ये है वो खूबसूरत सी जगह, ये देख सकते हो। अब तो बहुत इम्प्रूवमेंट है यहाँ पे, पहले तो ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था। है इन्होंने बैठने का टाइम नहीं देना मतलब हमारे को। और ये लोग भी आ गए हैं, हाँ, इधर से आ रहे हैं। चलो चलते हैं। अभी जो मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है ना, ये मैंने किया है बाबा जी के मंदिर से। लास्ट व्लॉग जो आपने देखा होगा, वहीं से आगे ये व्लॉग कंटिन्यू है। खोल दो यार। गाँव है नेहरबाग, नेहरबाग। सूरज, यहाँ कहीं चश्मे का पानी भी है ना? चले गया पीछे, दिखा तो है नहीं। ये तो हाउ पर जाम लगा दिया जा। ये देखा देखा, इसमें भर तो यार भरता है। हाँ हाँ, चश्मे का पानी खा मिला। हाँ, भरते हैं ऐसे ठंडा पानी। चल अब भर ले। आइए आइए, प्लीज आप लोग। थैंक यू। पी के देखो क्या मजेदार है यार, मजा आ गया। बताओ कैसा है पानी, पी के बताओ। पीना नहीं आपने? बहुत टेस्टी है, मजेदार है, मजेदार है। तो वापसी में हाँ, और बहुत सारे मिनरल्स होंगे इसमें। हाँ, मजेदार है पानी, ठंडा और टेस्टी है। और मिनरल्स भी है इसमें। मिनरल्स जी। गिरा था, पता है को? नहीं, हाँ। वो ऊपर से गिरा था, नीचे खट में निकालना नहीं। तो फाइनली दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं थॉर निवाड़, और बहुत ही प्यारी जगह है यार, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और मंदिर इतना सुंदर लग रहा है ना, मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से। और हाँ, मैं उस टाइम कह रही थी जब मैंने स्टार्टिंग में कहा था, तो यहाँ पर जो मंदिर बना है ना, जो उसके जो पत्थर आए हैं, वो बलसन से आए हैं। बलसन का बहुत बड़ा योगदान है, तो इसलिए पंकज जी जो आना चाहते थे। तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको, और बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये चलता है मंदिर की तरफ, देखो कितनी मज़े कर रहे हैं यहाँ पर। अब नहीं खेलेंगे, मैं वीडियो बना रही ना, अब नहीं खेलेंगे। क्या कर रहे हो? खेल रहे हो? खेल रहे हो या पानी पी रहे हो? पानी इकट्ठा कर रहे हो?
और ये पता नहीं कौन सा पर्वत था, मैंने स्टोरी में सुनाया ना, कछुए की पीठ के ऊपर वो पत्थर रख के ना, मतलब बहुत सी के बीच में जो वो समुद्र मंथन हुआ था ना, जिसमें से विष, अमृत, पता नहीं क्या क्या चीज़ें निकली थी, सोना, चांदी, बहुत सारी धातुएं, पता नहीं क्या क्या, वो है ये सब। दोस्तों यहाँ पे शायद बावड़ी लग रही है, हाँ बावड़ी है यहाँ पे। और ये देखिए, बट यहाँ पे अंदर जाना मना है, तो मैं आपको बाहर से दिखा देती हूँ कितनी सुंदर लग रही है। दोस्तों बावड़ी बोला जाता है नेचुरल वाटर सोर्सेज को, सोर्स को, और ये भी एक नेचुरल वाटर सोर्स है और ये गांव में ही होते हैं मैक्सिमम, तो यहाँ पर भी है और हमारे गांव में भी हुआ करती थी, अब तो पता नहीं है कि नहीं है, पहले हम भी वहाँ से पानी ले जाया करते थे पीने के लिए, और इसमें बहुत ही ठंडा पानी होता है। ये है थॉट निवार, आपके सभी व्यूअर्स का यहाँ पर स्वागत है। फैक्ट्स एंड फिगर्स तो एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, और जानकारी ना होने के कोई बात भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो छुटपुट मुझे पता है तो ये बुकड़ो महाराज जी की यहाँ पर गद्दी है, यहाँ उन्होंने समाधि ली थी, और इतवारनाथ गिरी, मनसाराम गिरी जी भी यहाँ बड़े बड़े मंत हुए संतों का स्थान है ये, और ऑल्सो थॉट निवार है, तो कोई थॉट माता का यहाँ पर होगा, वो हम ब्रीफली पता करेंगे, और बाद में फिर मैं भी कुछ बताऊंगा जो मुझे याद आएगा, क्योंकि हम बताएंगे उतना ही जो श्योर होंगी चीज़ें। चलो अंदर चलते हैं फिर। चलो वहाँ से पत्थर जाता है और पीठ में आया है पत्थर यहाँ है पीठ पे। अच्छा दोस्तों, इस मंदिर में जो पत्थर यूज़ हुआ है, चाहे छत पे है, जो छत पे है और जो भी पत्थर यूज़ हुआ है, वो आया है बलसन से, दांडी घाटी वाले व्लॉग में आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पे मैंने दिखाया है कहाँ से पत्थर निकाला गया है। एनर्जी देखो कितनी हाई है जगह। ये है थॉट निवार, रिलीजियस प्लेस, इसका एनर्जी को आप महसूस कर रहे हो कितना हाई है, ठीक है। और यहाँ पर इतवारनाथ गिरी जी हुए हैं, मनसाराम गिरी जी हुए हैं, दो संत, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग उन्होंने यहाँ समाधि उन्होंने भी किसने ली है। हाँ।
इतवारनाथ जी की समाधि थी अंदर जहाँ हमारे जो बल संघ के राणा थे उनके भी जो गुरु थे वो यहाँ से थे। जब यहाँ गोरखा रेजिमेंट आई थी ना तो उन्होंने उनको संकेत किया था कि यहाँ से भाग जाओ। तो यहाँ का बहुत बड़ा महत्व है और लॉट्स ऑफ स्टोरीज आर गोइंग ऑन जो यहाँ से रिलेटेड है। जा रहे हैं दोस्तों यहाँ से वापस और ये देखिए लड़कियां अभी तक यहाँ पे भी खेल रही हैं, इनको भी बाइक करते हुए चलते हैं। हाँ ये तो किसी ने गांव में ही पाले हैं मेरे को ऐसे लग रहा है। इनके पास तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं खैरी और यहाँ से जो है वो खैरी की मार्केट स्टार्ट होती है। ये छोटी सी मार्केट है खैरी की, यहाँ पे हमको जाना है नदी क्रॉस करके, तो उससे पहले हमको यहाँ से थोड़ा सा सामान लेना है तो वो ले लेते हैं, खाने पीने का कुछ। देंगे काट के देंगे पार्टी। भाई साहब गर्मी महसूस करो तो है नहीं तो था। मैं तो पसीने पसीने हो गई सारी, वो तो मैं भी हूँ। चलो देखते हैं खड्ड में कैसा लगता है जाके। पूरी सब ले प्लेट प्लेट रहेगी, बस प्लेट रहेगी। तो मतलब भाई साहब हमारे साथ थोड़ी सी नाइंसाफी है। क्या माजा लेके आए ना आपके लिए? तरबूज भी खा लेते एक पीस। जगह तो बहुत सुंदर लग रही है ये। एक पीस? अरे दो पीस देवी जी, कमाल करते हैं आप। जगह देखने के नाते कितनी सुंदर है, पत्थर देख कितने प्यारे जैसे। मैं क्या करी थी, केला खा रही थी मंदिर में और आंटी वो बता रहे और मैं खा रही हूँ आराम से। हो जाता है कभी कभी यार, बैठना पड़ना है। खड्ड में बैठते है ना पैर पानी में डाल के। यहाँ पे क्योंकि पूरे पानी में डूब गई है, पूरे पानी में डूब गई है। डायपर खाने वाला लगा बोला सीटो तो सूरज हम दूसरी साइड नहीं गए, नहीं तो तुम भैंसों वाले पानी। सही बात है, तो हम कितना बोरा था नीचे जाने को, ऊपर नारी भैंस नीचे नहाते ये लोग। सोनी है सारी रात। वाह यार जगह तो बहुत सुंदर है ये ना। अरे यार मार जा रही हूँ भाई, अब मैं इसको जा रही हूँ खोलने। नहीं नहीं साठ का डाल देंगे माँ, उसको संभाल कर रखना।
नहीं। काला नमक डालो जिसने खाना। यहाँ देख फटा हुआ पूरा फाड़ा है निकालने लायक। दीदी तरबूज 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 खीरा 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 तरबूज 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 खीरा। बहुत मस्त है, टेस्टी टेस्टी, मीठा मीठा तरबूज खा लो एक पीस। खाते हो खीरा? खाते हो। आज का लो व्लॉग दोस्तों यहीं तक था, अब मैं वीडियो को एंड कर दूंगी। डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अपनी सखियों के अच्छा तुम अपनी तुलना कैसे करती हो? इनका ये इनकी मुखिया है ना, मुखिया आएगा इनकी आगे आगे ले जा रही है। एक तालियां बजा रहा था।